सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं दिवाली स्पेशल फोटो एडिटिंग। तो आपको भी सीखना है दिवाली फोटो एडिट करना, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे ओनली एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो ही मिलेगा और रोज मिलता है इस चैनल पे आपको। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा ओरिजिनल फोटो है, इसे हम कुछ इस टाइप से एडिट किए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त एडिट हुआ है। आपको ऐसा एडिट करके दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, तो आप बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए यह हम अपने ओरिजिनल फोटो को शेयर करेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, हमारा फोटो स्नैपचैट एप्लीकेशन में आ चुका है। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम लोग इसे क्रॉप कर लेंगे अपने फोटो को और यहां से डन कर देंगे। और फिर से टूल्स वाले पर क्लिक करेंगे और टून इमेज पर आएंगे, ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देंगे और एम्बिनियंस को हम लोग पूरा 100 कर देंगे और हाईलाइट को माइनस कर देंगे और साइडों को हल्का सा बढ़ा देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। अब अपने फोटो को शेयर कर देंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुका है। यह हम लोग का प्रीसेट है, इसी से हम लोग अपने फोटो को एडिट करने वाले हैं। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसे कॉपी सेटिंग कर लेंगे और अपने फोटो पर आएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और पेस्ट सेटिंग कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो एक ही क्लिक में कितना मस्त व्हाइट हो गया। यहाँ से हम लोग कलर वाले पर आएंगे और मिक्स पर क्लिक करेंगे। हम लोग इसका ऑरेंज का हम लोग का पूरा ल्यूमिनस 100 रखना है और यहाँ से डन कर देंगे। अब अपने फोटो को शेयर कर देंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो हमारा फोटो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ चुका है। हम लोग इस लेयर वाले पर क्लिक करेंगे और इस प्लस पर क्लिक करके एक लेयर बना लेंगे और फिर से हम लोग इस लेयर पर क्लिक करेंगे और ये नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर देंगे और यहाँ से फिर से आएंगे कलर वाले पर और यहाँ से हम लोग पूरा व्हाइट वाले कलर को ले लेंगे और हम एक ब्रश को यूज करेंगे इसमें, ट्रेडिशनल। ये हम लोग का ब्रश है, मीडियम ब्रश। यहाँ सेटिंग में आएंगे, आप लोग ऑपसिटी को पूरा 100 रखिएगा और साइज अपने फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा और अपने फोटो पर आकर कुछ ऐसे चलाइएगा जैसे मैं चला रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ पूरा लाइट दे दीजिएगा आप लोग। मैं जैसे लाइट दे रहा हूँ आप लोग भी दे दीजिए ऐसे लाइट। और अभी हम लोग अपने फोटो को स्मूथ करने वाले हैं, तो आप बिना स्किप किए देखते रहिए वीडियो को। हम लोग अपने पूरा फेस पर लगा लिए हैं इस कलर को और फिर से लेयर वाले पर क्लिक करेंगे और इस लेयर पर क्लिक करके इसका ऑपसिटी हम लोग इतना रख देंगे 58%। और यहाँ पे मर्जेल लिखा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इससे हमारा सब एक में मिल जाएगा। और फिर से हम लोग यहाँ से एक ब्रश को यूज करेंगे। ये हम लोग का ब्रश है, इसका सेटिंग आप लोग देख लीजिए। फॉलो को रख लेंगे 6% और स्ट्रेंथ को रख लेंगे 22% और साइज अपने फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। और अपने फोटो पर आकर अपने फेस पर आकर कुछ ऐसे चलाइएगा। आप लोग देख सकते हैं फेस हमारा कितना मस्त स्मूथ हो रहा है। आप लोग भी ऐसे ही स्मूथ कर लीजिएगा। मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो।
तो फ्रेंड्स हमारा फेस अब स्मूथ हो चुका है, हम लोग अपने फोटो को यहाँ से सेव टू डिवाइस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा दिवाली बैकग्राउंड है, आपको इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने बैकग्राउंड को शेयर करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो हमारा बैकग्राउंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ चुका है, टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसे क्रॉप कर लेंगे, इतना क्रॉप कर देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। अब अपने फोटो को ऐड करेंगे हम लोग, यह हमारा फोटो है, इसे हम लोग कुछ इस टाइप से इतना बड़ा कर देंगे और आएंगे यहाँ से कट आउट पर और यहाँ से हम लोग पर्सन कर देंगे। यहाँ से अब पूरा रेड हो गया तो हम लोग यहाँ से अब डन कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड एक ही, हमारा फोटो का बैकग्राउंड एक ही क्लिक में कट हो चुका है। अब यहाँ से अपने फोटो पर अच्छे से लगा के और यहाँ से डन कर देंगे। अब अपने PNG को ऐड करेंगे, PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग का PNG ऐड हो चुका है, हम लोग इसे अपने हाथ पर कुछ इस टाइप से लगाएंगे, इतना बड़ा करके ऐसे लगा के यहाँ से डन कर देंगे। अब हम लोग अपने PNG को ऐड करेंगे, PNG एंड प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यह हम लोग का PNG है, इसे हम लोग कुछ इस टाइप से इसे इतना बड़ा कर देंगे और यहाँ से इतना बड़ा कर देंगे और फिर से हम लोग इस दिया को लाएंगे और इसका डुप्लीकेट करके एक यहाँ पर लगा देंगे और इसको यहाँ पर और इतना कर देंगे। अब यहाँ से डन कर देंगे। अब अपने फोटो को शेयर कर देंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो हम लोग का फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुका है, यहाँ से हम लोग कलर वाले पर आएंगे और टेम्प को हल्का सा माइनस कर देंगे और यहाँ से टिंट को हल्का सा बढ़ा देंगे और यहाँ से वाइब्रेशन को भी हल्का सा बढ़ा देंगे, आपका यहाँ से फोटो का कलर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ मिक्स पर क्लिक करेंगे और ऑरेंज कलर को ले लेंगे और यहाँ से हम लोग इसका सेचुरेशन माइनस कर देंगे, ल्यूमिनेस को हल्का सा बढ़ा देंगे और यहाँ से इस ब्लू वाले का इसका भी सेचुरेशन हम लोग बढ़ा देंगे। और आप लोग यहाँ से अपने फोटो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगेगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से डन कर लेंगे। अब अपने फोटो को सेव टू डिवाइस कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं रोज एक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।